हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी क्या, अपनी टीम क्या बदली कि लोगों ने, फैंस ने जो है उन्हें एकदम बू करना शुरू कर दिया और एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है मुंबई इंडियंस के कप्तान है। अब चाहे वो अपने पिछले 3 मुकाबले उठा के देख लीजिए, मुंबई फैंस के लिए खासकर वीडियो है कि आप पिछले 3 मुकाबले उठाइए, आपने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान मानने से इंकार किया हुआ है। जिस तरीके से जो है हार्दिक पांड्या के पीछे लोग पड़े हुए हैं, चाहे वो टॉस करने आते हैं, चाहे वो बैटिंग के लिए आते हैं, बॉलिंग के लिए आते हैं, फील्डिंग के लिए जो है मिड विकेट वगैरह पे खड़े जाते हैं, तो वहां पे लोग जो है लगातार उन्हें बू करते रहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप ये बात भी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या के अलावा 2 ऐसे टीम इंडिया के लेजेंड क्रिकेटर भी हैं जिनको इंडियन फैंस ने बू किया हुआ है। अब ये कहानी जो है 2 अलग अलग खिलाड़ियों की है और 2 अलग अलग एरा की है, क्योंकि एक समय इंडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी और फिर दूसरे समय इंडिया का प्रेजेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है इनको बू किया गया था वानखेड़े के ही इस ग्राउंड पे। अगर आप नहीं जानते हैं कहानी तो आपको मैं बताता हूँ। तो उससे पहले अगर आपने क्रिकेट जींस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना बिल्कुल भी ना। तो हार्दिक पांड्या का केस तो आपने सभी ने देखा है कि जिस तरीके से उन्हें बू किया जा रहा है, चाहे वो अगेंस्ट हैदराबाद खेल रहे हो, अगेंस्ट उन्होंने जो है गुजरात खेल लिया हो और अगेंस्ट उन्होंने जो है अपनी लास्ट का मुकाबला खेला हो, तो हर जगह जाके उन्हें बूज जो है मिल रहे हैं, देखने को सुनाई दे रहे हैं। चाहे फिर वो संजय मांजरेकर ग्राउंड पे टॉस टाइम पे कह रहे हो बिहेव, तब भी जो लोग हैं वो लगातार हार्दिक पांड्या को बूज करे जा रहे हैं और रुके ही नहीं रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में 2 अलग अलग कौन से खिलाड़ी जिनको बूज किया गया है, जिनको बू किया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बात की जाए विराट कोहली की। अब आपको यकीन नहीं होगा कि विराट कोहली को भी जो है एक समय पे लोगों ने बू किया हुआ है और इसी वानखेड़े के ग्राउंड पे किया है। तो साल 2013 का वो टाइम था जब विराट कोहली आईपीएल में अपनी आरसीबी टीम के लिए खेल रहे थे और जिस समय वो एक रनआउट करते हैं, रनआउट की अपील करते हैं और वो अपील थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है, यहाँ पे पता नहीं चलता, क्लियर नहीं हो पाता है कि वो रनआउट है एक्चुअली या नहीं है, थर्ड अंपायर भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि काफी एक जो है ना वो पेंचीदा वो एक पल आ जाता है जहां पे पता नहीं चल रहा कि वो बैटर जो है वो आउट है या फिर नॉट आउट है। तो ऐसे में विराट कोहली जो है लगातार जो है अपील करते ही रहते हैं कि आउट है आउट है आउट है। इसको देख के जो फैंस हैं वो सोचते हैं काफी ज्यादा अनोइंग हो रहा है क्योंकि विराट का उस समय इतना बड़ा जो है नाम नहीं था, क्योंकि विराट जो है यंग ही आए थे, 2011 वर्ल्ड कप खेले, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी से जो है उस समय की बात है, तो उस समय जो है विराट कोहली को इतना कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जब विराट कोहली ने इतनी ज्यादा अपील की तो विराट कोहली के जो पीछे है फैंस पड़ गए और उन्होंने जो है विराट कोहली को बू करना शुरू किया। और उस पूरे मैच में जो है पूरा इंसिडेंट अगर आप देखेंगे उस मैच को जाके, तो पूरे ही मैच में जो है विराट को बू का जो है सामना करना पड़ा था। तो विराट कोहली के साथ भी ये जो है इंसिडेंट हो चुका है। लेकिन जो मैं अगला नाम को बताऊंगा ना, अगला नाम सुन के सच में हैरान होने वाले हैं क्योंकि जिस खिलाड़ी के साथ ये हुआ है वो भारत रत्न है। अब भारत रत्न आप समझ गए होंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम जैसा कौन सा खिलाड़ी होकर निकला है जो भारत रत्न बनाओ। अब वो नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर का, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए इतने लंबे समय तक सर्व किया है। लेकिन ये बात जो है ना, ये बात है साल 2006 की, जब टीम इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी और सचिन तेंदुलकर जो है अपनी टेनिस एल्बो से कमबैक कर रहे थे और कमबैक करके जो है वो टीम इंडिया में वापसी आए ही थे, जहां उनका पहला मुकाबला मोहाली और नागपुर में जो है 2 मुकाबले उनके सुपर डुपर फ्लॉप रहे थे, जहां 25-20 रन बना के जो है वो लगातार पवेलियन लौट रहे थे, जहां पहले मुकाबले मोहाली में वो 30 रन पे ऑल आउट आउट हुए और उसके बाद जो है नागपुर आए तो वहां पे भी 20 रन पे जो है एंडरसन ने गेंदबाजी की और जो है इयान बेल ने शॉर्ट लेग पे जो है उनका कैच पकड़ा। तो इस तरीके से सचिन तेंदुलकर जो है 2 मैचों में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। वो वानखेड़े आते हैं, वानखेड़े आए तो वानखेड़े में भी जो है उनका विकेट गिरा, बहुत कम रन बनाए, उन्होंने 15-20 रन बनाए थे और वहां जो है उन्होंने अपना विकेट गवाया और उसके बाद जो है इंडियन फैंस ने जो है उन्हें दोबारा से, यानी कि सचिन रमेश तेंदुलकर जो कि इंडिया का इतना बड़ा खिलाड़ी रहा है उनको भी जो है बू करना जो है शुरू किया। और ये बू का जो सामना है ना सचिन रमेश तेंदुलकर ने भी जो है काफी उस पूरे मैच में जो है फेस किया था, क्योंकि एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी उस समय आई थी जहाँ पे सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ी स्टेटमेंट लिखी थी एंडुलकर, और ये एक काफी ज्यादा वायरल चीज हुई थी कि सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे कोई एंडुलकर लिखते, यानी कि एंड ऑफ हिज क्रिकेट करियर, एक तरीके से ये बातें उठनी शुरू हुई थी। उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था लेकिन फिर भी बातें जो है हर एक क्रिकेट फैन तक पहुंच रही थी कि क्या सचिन का जो क्रिकेट करियर है क्या वो अब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है उनका करियर, या फिर वो अभी भी वापसी कर सकते हैं। तो जो 2006 का इंसिडेंट था वहां पे सचिन को जो है बूज का सामना करना पड़ा था, 2013 में विराट को करना पड़ा और अब जो है हार्दिक पांड्या जो है इसके शिकार हुए हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है हार्दिक पांड्या के साथ कि उन्हें बूज का सामना करना पड़ रहा है, इससे पहले सचिन और विराट भी कर चुके हैं और बहुत से खिलाड़ी आने वाले टाइम में भी शायद ऐसे हो जिनको बूज का सामना करना पड़े। लेकिन ये चीजें इतनी सही नहीं है क्योंकि एक जो खिलाड़ी है वो अपनी कंट्री को, अपनी टीम को जिताने के लिए जो है ग्राउंड पर आता है, तो जो हार्दिक पांड्या के साथ जितना हो रहा है ना उतना शायद अभी तक किसी भी क्रिकेटर ने फेस नहीं किया है। तो शायद उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या के साथ जो चीजें हैं, जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो आने वाले टाइम में और ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अगर ठीक नहीं होंगी तो रिजल्ट जो है उनके अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि जिस टीम की कप्तानी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के फैंस आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी टीम जो है इस साल आईपीएल में अच्छा नहीं करेगी। और यही आपके जो है आप कैप्टन हैं जो मुंबई की टीम को संभालेंगे, तो अगर आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं करेंगे तो भी आपके कप्तान है, और अगर आपको अपनी टीम को जिताना है तो चेयर इन्हें ही करना पड़ेगा। तो आप अपने कमेंट में बताइए कि जो हार्दिक के साथ हो रहा है, रोहित विराट के साथ हो रहा है, ये सही है या नहीं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक और नई वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।